हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये मैं लेंसकार्ट से चश्मा खरीदा और ये ARC कोटिंग वाला है, सिर्फ 600 रुपीज़ में मेरे को मिला। देख सकते हैं पैकेजिंग, फटाफट मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा लेता हूँ। कुछ कूपन पर ये सब मिला, उसके अंदर बिल है, ये सब दिखा के टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। अब कुछ सामान ही दिखाते हैं अंदर से। ये देख सकते हैं डब्बा इसका, काफ़ी अच्छा है। ये प्लास्टिक का या फिर जो भी है, कुछ अलग टाइप का डब्बा। उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को क्योंकि ये क्लोजर ऑटोमेटिक नहीं होता, देख सकते हैं इसका सीधा वापस फिर बंद करना होता है। बट हाँ ठीक है, नया स्टाइल है। ये रिलायंस क्लिनिक क्लॉथ देख सकते हैं, ये रिलायंस कट का ब्रांडिंग जैसे दिख रहा है, साइड में रखता हूँ। देख सकते हैं चश्मा काफ़ी सुंदर है। मेरा लगभग -4.5 स्पेरिकल और उसके साथ थोड़ा बहुत सिलेंडर है पावर रखने में ऐसा है। और इसका ये रहा नोज पैड्स, मीडियम सॉफ्ट है, उतना भी सॉफ्ट नहीं है बट हाँ कंफर्टेबल होगा। नोज पैड जो थोड़ा ब्रॉड है, निशान नहीं पड़ेगा उतना। और वेट इसका लाइट वेट है, ज़्यादा लाइट नहीं है। ये साइड में जो ये मेटल है अंदर से और बाहर में प्लास्टिक का कोटिंग है, अच्छा है क्वालिटी। इसमें जैसे गोल्ड गोल्ड का प्लेटिंग देख सकते हैं आपको, नॉर्मल है, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, डायरेक्ट हिंजेस है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है उसके अंदर से पास किया गया ये नोज़ पैड के जो मेटल है, यहाँ पे स्क्रू दिया है। काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है, देखने में भी अच्छा है। यहाँ पर मैं है कुछ डिटेल एक्स्ट्रा, सो ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मीडियम साइज़ है, आपको दिखा देता हूँ मार्किंग्स, 145, 17 और 53। और ये मॉडल नंबर 144149 जो भी है। लेंसकार्ट एयर एयर बोल रहे हैं क्योंकि लाइट वेट है बट उतना भी लाइट वेट नहीं फील होगा आपको। पहनने के बाद ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। मैं यूज़ करके दिखाऊँ, काफ़ी कंफर्टेबल है। सिर्फ थोड़ा बहुत ग्लेयर फील होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो लाइट स्टाइल के चक्कर में वही थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ग्लेयर आता है इसके अंदर से। पेंटोस्कोपिक टिल्ट भी अच्छा है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अच्छा चश्मा है आप ज़रूर ले सकते हो। सिर्फ ये है कि मेरे को पसंद इसका ये नोज ब्रिज इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये अलग से हाईलाइट होकर दिखता है मेरे चेहरे पर, तो किसी के चेहरे में अच्छा लगेगा, मेरे चेहरे में उतना सही नहीं लगता, इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ। बाकी अच्छा प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल काफ़ी अच्छा है इसका। सो इसमें कोटिंग जैसे दिया है, ARC कोटिंग है और 600 रुपीज़ में चश्मा और प्लस लेंस, बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स इट, ये था मेरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेंसकार्ट का। सो अभी भी सेल चल रहा होगा शायद, 9 PM के बाद आप ट्राई कीजिएगा, कभी कभी दिखाता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी लेंसकार्ट को ये थोड़ा रहेगा कि इसको इम्प्रूव कीजिए, ये उतना सही से जस्ट दिखा भी देता हूँ आपको। बैठ तो गया, ये क्लोज़ हो जा रहा है लेकिन कुछ कुछ चश्मे में सही नहीं बैठता, मतलब थोड़ा टाइट फिटता है और उतना
ड्यूरेबल, मतलब वो प्रोटेक्शन सही नहीं दे नहीं रहा, दब जाता है इसलिए, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं दब जाता है। तो बाकी चश्मा ड्यूरेबल है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।